हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार सबको, वनकम, नमस्कार। ये हमारे इसका सेंट्रल लॉक ऑटो कप ओल्ड का रीसेट कर रहे हैं, रिमोट रीसेट कर रहे हैं। पुराना रिमोट ख़राब हो चुका है, नया रिमोट डाल रहे हैं ऑटो कप का। अब इसके लिए बनेट खुलना ज़रूरी है। बनेट खुलने के बाद ये बनेट का स्विच होना चाहिए। अगर बनेट का स्विच ना हो तो भी ये कॉफ़ी कलर की वायर है, ये कॉफ़ी कलर की वायर है। अगर बनेट का स्विच ना हो तो आप इसको ग्राउंड कर दीजिए। इसके बाद में ये सैरन है, सैरन की वायरिंग है। सैरन की वायरिंग के बाद हम बनेट खुला रहने देते हैं। अभी देख लीजिए वीडियो में, अभी अंदर जाएंगे। अभी अंदर जाने के बाद आप दिखा सकते हैं कि अगर फोर इंडिकेटर आप डायरेक्ट हो जाते हैं, उसको रीसेट करना पड़ेगा। और रीसेट करने के लिए उसका प्रोसेसिंग है, लंबा प्रोसेसिंग है, आप मैं भी दिखा रहा हूँ। और बानट और डोर का खुला रहना बहुत ज़रूरी है। बानट और डोर खुला रखकर आप देख सकते हैं, ये प्याज गार्ड है, 18 पिन का प्याज गार्ड है, पुराना मॉडल है। अभी तो ऑटो का बंद हो चुका है। अभी तरह तरह की कंपनियां आ रहे हैं, चाइना की भी है, इंडिया की भी है, आरडी है, तरह तरह की आ रही है। लेकिन ये बेस्ट था भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, बड़ी सेंसर भी आता है इसके अंदर। अभी देखते हैं, इसके 18 पिन की सॉकेट है, लेटेस्ट 16 पिन का आता है। अभी 18 पिन का सॉकेट, इसमें बड़ी सेंसर भी आता है। अब ये देख सकते हैं कि जो राइट साइड के जो आप ग्रीन देख रहे हैं वो इंडिकेटर के हैं। रेड कलर आके, रेड आके इग्निशन है, रेड आके डायरेक्ट मेन है, ब्लैक आके अर्थिंग है, ऑरेंज आके इग्निशन मेन है, और ग्रीन 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 और पैक ग्रीन आके डोर लॉक का है। अगर कोई कारीगर रहेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, आप कोई वायरिंग का डायग्राम बनाना चाहते हो तो इस कलर के हिसाब से बना लीजिए। देखिए कलर इस तरीके से है, सॉकेट का कलर इस तरीके से है। हम बता रहे हैं आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। उसके बाद अब हम रीसेट करेंगे रिमोट को। नया रिमोट है, पुराना रिमोट ख़राब हो चुका है इसका। उसके बाद फोर इंडिकेटर आ रहा है ना, तो आप डोर खुला रख के बनेट खुला रख कर क्लियर ऑन करेंगे तो इंडिकेटर आएगा धीमे से। इंडिकेटर के साथ साथ 4 या 5 मरतबा क्लियर ऑन करना है और ऑफ करना है, क्लियर ऑन करना है और ऑफ करना है। 4-5 मरतबा क्लियर ऑफ ऑन करेंगे इंडिकेटर के साथ, क्लियर ऑन करके जब इंडिकेटर आएगा तो 4 या 5 मरतबा उसके इंडिकेटर के साथ साथ में क्लियर ऑफ करके ऑन करो। क्लियर ऑफ करने कह रहा तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तो उसके बाद रीसेट के लिए क्लियर ऑन करेंगे तो एक बीप आएगी। एक बीप के बाद 5 बार डोर स्विच दबाना, 5 बार डोर स्विच दबाएंगे तो फिर एक बीप आएगी, सिंगल इंडिकेटर आएगा। उसके बाद में क्लियर हाफ करके और ऑन करना है, इग्निशन ऑफ करके इग्निशन ऑन करना है तो डबल बीप आएगी, डबल इंडिकेटर आएगा। तो डबल इंडिकेटर आने के बाद अनलॉक का बटन लॉन्ग दबाइए और लॉक का दबन भी लॉन्ग दबाइए, होल्ड करके रख लीजिए दोनों बटन, तो सिंगल बीप आएगी। सिंगल बीप आने के बाद उसके बाद क्लियर हाफ कर दीजिए। क्लियर हाफ करने के बाद आपका काम हो जाएगा, रिमोट कोडिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिमोट कोडिंग हो गया है। आप इंडिकेटर देख सकते हैं, इसके लिए रिमोट के अंदर हो रहा है। उसके बाद ये बहुत सिंपल काम है, समझना है बस। बहुत सिंपल काम है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।